क्रांति में मैं हूँ आपके साथ फिजा काजमी। लखनऊ में कृषि भारत मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार CII का ये इवेंट है, हर साल आयोजित किया जाता है किसानों के लिए स्पेशली। इस बार लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय किसान मेले में कई बड़ी कंपनियां मौजूद है किसानों के लिए अपने अलग अलग उत्पाद लेकर। हम मौजूद है सवाना सीच में और हमारे बीच है मनोज सिंह जी, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट लीडर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारे किसान भाइयों के लिए यही रहेगा कि किस तरीके से सवाना सीड्स अभी कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है। देखिए, सवाना सीड एक सीड कंपनी है, बीज की कंपनी है और हमारी जो पेरेंट कंपनी है US में राइसटेक, और 2010 में हम भारत में आए थे और हम लार्जली राइस धान के ऊपर हम काम करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। बीज के साथ साथ हम किसानों को नई जानकारी और उसको कैसे वो अपनी फसल को ज़्यादा उत्पादन ले सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बीज भी देते हैं और साथ साथ किसानों की सहायता भी करते हैं उनको उनकी फसल बढ़ाने के लिए। सर सवाना अभी कौन कौन से स्टेट्स में, कौन कौन से राज्यों में किसानों के लिए मौजूद हैं? अगर आपके बीज पंजाब, हरियाणा के और भी अधिक राज्यों के किसान लेना चाहें तो वो कैसे आप तक जुड़ सकते हैं? देखिए, सवाना पूरे भारत में मौजूद है, जहाँ जहाँ पे धान की खेती होती है वहाँ पे हम सवाना मौजूद है। पंजाब, हरियाणा, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हम हर जगह पे गुजरात मौजूद हैं और हमारे पूरे भारत में करीब 5,000 से ज़्यादा विक्रेता हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ हमारा प्रोडक्ट उपलब्ध रहता है और वहाँ से किसान इसको खरीद सकते हैं। जिस तरह सर ने बताया कि भारत के कई राज्यों में सवाना सीड्स अभी अपने उत्पादों को लेकर मौजूद है, लेकिन सर हम जब बात करते हैं फार्मर्स की, किसानों की, उन तक पहुँचने की, उनके क्षेत्र, उनके ज़िले तक पहुँचने की, तो ये कंपनी किस तरह से उनके क्षेत्र तक पहुंच रही है, उन तक अपनी पहुंच को बढ़ाने का काम कर रही है सवाना? देखिए, कंपनी कैसे पहुंच रही है, एक तो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो जुड़े हुए हैं 5,000 से ऊपर, साथ के साथ कंपनी के एम्प्लॉय हैं हर राज्य में, जिला स्तर पे हैं, उसके नीचे ब्लॉक स्तर पे एम्प्लॉय हैं और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है पूरे भारत में जो रेगुलर डे टू डे फार्मर से जाते हैं, मिलते हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और बीज के अलावा उनकी दूसरी भी समस्या उसके बारे में बात करते हैं। तो पूरे भारत में हमारे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारे कर्मचारी काम करते हैं। उसके अलावा हमारा एक ऐप है, उसके थ्रू भी हम किसानों के पास पहुँचते हैं, डिजिटल माध्यम से भी पहुँचते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी पहुँचते हैं, तो अलग अलग माध्यम से किसानों के पास पहुंचते हैं। सर ने जिस तरीके से बताया कि उत्पाद का बाजार तक पहुंचना काफी जरूरी है और उनको पहुंचाने के लिए कंपनी की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण रहता है। सर आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेंगे, आप किस सवाना सीड्स की ओर से किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, अपने उत्पाद से रिलेटेड या कंपनी के उत्पाद को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या कैसे वो आप तक जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं जो बताना चाहूंगा बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा नया प्रोडक्ट आया फुल पेज। भारत में 11 करोड़ एकड़ में धान की खेती होती है, ये सबसे बड़ा फसल है हमारे यहाँ और भारत में 80% से ज़्यादा जनता धान की खेती पर डिपेंड है उनके खाने के लिए भोजन। और धान की जो खेती है उसके साथ बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, जैसे धान की खेती में पानी बहुत लगता है तो पानी भर के रखना पड़ता है, साथ के साथ मजदूरी बहुत लगती है क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ती है, रोपाई करनी पड़ती है और जो 4,000 से 5,000, 6,000 रुपये तक की उसका खर्चा भी आता है जो बहुत ज़्यादा है, मजदूर मिलते नहीं है गाँव में, आजकल जो बहुत सारे लेबर है वो सिटी में चली गई है। साथ के साथ जब हम रोपाई करते हैं उसके लिए हमको एक पडलिंग करना पड़ता है, एक प्रोसेस होती है जिसकी मिट्टी को हमको एक पडलिंग करना पड़ता है, कद्दू बोलते हैं, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है नीचे और जो बारिश का पानी है वो बारिश का पानी ज़मीन में पहुंच नहीं पाता है, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से दिन पे दिन और दर साल दर ये जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा रहा है। 50 सालों में 100 से 200 फीट तक अलग अलग राज्यों में पानी नीचे चला गया है। साथ के साथ जब पानी भरा रहता है धान की फसल में, एक इसकी वजह से मीथेन गैस बहुत निकलती है, 17% योगदान है धान की खेती का मीथेन, और मीथेन गैस बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, बट धान की खेती क्योंकि ये खाने में यूज होती है इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, तो हमें सस्टेनेबल वे, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को जो प्रोडक्ट का इसे टेक्नोलॉजी पर लाना पड़ेगा वो है फुल पेज। तो
उल्पेजित विधि है सीधी बिजाई, धान की सीधी बिजाई, जिसको बोलते हैं DSR, डायरेक्ट सीडी ड्राइव। इसमें क्या होता है, हम धान की वाइस सीधे करते हैं, इसमें कोई नर्सरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई पडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसप्लांटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसान को फायदा क्या है, इस विधि से उसका नर्सरी लगाने का खर्च बचता है करीब 1000 रुपये, जो 4 से 5 हज़ार रुपये उसका खर्च हो रहा है लेबर का वो बचता है, 6 हज़ार रुपये हो गया। पडलिंग का जो खर्चा है 1.5 से 2 हज़ार रुपये वो बढ़ गया, तो 7.5 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा उसका पर एकड़ का पर साल बचता है। साथ के साथ जो वातावरण को फायदा होता है, वातावरण को ये फायदा होता है कि जो पानी है, क्योंकि इसमें पडलिंग करना नहीं है तो ग्राउंड वाटर बेटर होता है, तो जो हमारा बारिश का पानी नीचे पहुंचेगा तो ग्राउंड वाटर बेटर होगा। नंबर दो, क्योंकि पानी भरने की जरूरत नहीं है तो इसमें मीथेन गैस 30% से लेकर 40% कम निकलती है, 1 मैट्रिक टन से 1.5 मैट्रिक टन मीथेन कम निकलेगा, कार्बन कम निकलेगा, तो हमारा इन्वायरमेंट को फायदा हो गया। तीसरा, आपका इसमें एक समस्या और आती है, जब हम सीधी बिजाई करते थे पहले तो इसमें खरपतवार बहुत उगते थे, सूखे में उगाना पड़ता। ये जो टेक्नोलॉजी है फुलपेज, इसके साथ एक केमिकल आता है जिसको हम वजीर केमिकल बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने से जितने भी तरह के खरपतवार होते हैं, जो घास होती है वो घास सब मर जाती है, साथ के साथ इसमें जंगली धान भी उगाता है कई बार, वो भी मर जाता है। और क्योंकि जंगली धान और घास से किसान को उसके उत्पादन में बहुत नुकसान होता है, ये 30% से लेकर 80% हो सकता है अलग अलग केस में। इसमें क्या होता है कि ये जो तकनीक है ये पूरा पूरा उसको उसके जो खरपतवारों का कंट्रोल देती है, साथ के साथ हमारा एक ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं इसको, इसको बोलते हैं स्क्वैट ट्रीटमेंट, जो बीज के ऊपर एक लेयर करके देते हैं जो शुरू के 30-35 दिन हमारी फसल को अच्छा जर्मिनेशन देती है, अंकुरण देती है और उसको उसका हेल्थ को मेंटेन करती है, जिससे फार्मर को एक तो खर्चा कम हो रहा है 7-8 हज़ार रुपये, साथ साथ उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है और जो वीड का कंट्रोल हो रहा है उसका वो पूरा हो जाता है। एक और बात है, 1 एकड़ ट्रांसप्लांटिंग करने में करीब 8 से 10 घंटे लगते हैं उसको रोपाई करने में, ये विधि से उसको 1 घंटे में कर सकता है, तो वो कन्वीनियंस बहुत है। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमने लॉन्च की है 2024 में, भारत सरकार ने इसकी अप्रूवल के बाद, और ये 2 प्रोडक्ट में है 127 और 134 में, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट में आएगी। और आने वाले टाइम में हम एक टेक्नोलॉजी, सेम टाइप की टेक्नोलॉजी हम लोग गेहूँ की फसल में भी लेके आने वाले हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हम लेके आने वाले हैं जो यूनिक टेक्नोलॉजी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जिस तरह बताया कि बहुत जाहिर सी बात है जब तक तकनीक हमारे उत्पादों में कंपनियां किसानों के लिए नहीं लेकर आएंगी तो उन्हें भी बेहतर जानकारी नहीं मिल पाएगी कि वो कौन से उत्पाद का इस्तेमाल कब कैसे करना है। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।